वीडियो पूरा देखिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी ये। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति प्यार की अभिव्यक्ति नहीं करता, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस मनुष्य को, तो कई बार उस मनुष्य को लगता है कि वो तो कितना दिलो जान लुटा रहा है और अगला इसका रिस्पांस नहीं दे रहा है, लेकिन कई बार ये गलत भी होता है। इसका कारण ये होता है कि जितने संवेदनशील आप हो, जरूरी नहीं है वो दूसरा भी वैसा ही हो। कई बार लोग प्यार को मन में दबा के रखते हैं और बार बार उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये समझदारी आप पर है कि आप समझें कि और थोड़ा मैच्योर बने। कई बार क्या होता है, आप में मैच्योरिटी नहीं होती और आप छोटे बच्चों की तरह बात बात पर रूठ जाते हो। आपको लगता है मैं तो उसको इतना प्यार करती हूँ, मतलब एक मिनट में आप नाराज़ हो जाते हो, एक मिनट में आप खुश हो जाते हो। आपको विश नहीं किया तो नाराज़ हो गए, आपको विश कर दिया तो आप खुश हो गए। अब इस मैच्योरिटी ये कहती है कि आपको इस लेवल से ऊंचा उठना पड़ेगा, और उठना ही पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को तय कर पाओगे और जीवन में खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो ज़िंदगी भर एक भटकाव टाइप आपके मन में रहेगा। तो आइए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग वाकई में बुरे होते हैं, कुछ लोग वाकई में भावनाहीन होते हैं, कठोर हृदय, पत्थर दिल, पाषाण हृदय होते हैं। उनको नहीं परवाह होती कि अगला आपके लिए अपनी जान लुटा रहा है, वो उसके ख्यालों में सिर्फ आप बसे और उसका वैल्यूएबल टाइम वो आप पर स्पेंड कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन में, अपने ख्यालों में, और आपको रत्ती भर परवाह नहीं है। अरे अगर सिर्फ आपके वेडिंग एनिवर्सरी विश करने से आपकी दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती हैं तो आप उसको याद क्यों नहीं करते हो? मैं ऐसे लोगों से भी ये सवाल करूँगी, क्यों? आपको तो स्पेशली अगर आपको उस पर्सन से प्यार है और आप जानते हो कि वो पर्सन बहुत इमोशनल है, तो आप क्यों नहीं भाई याद रखते अपनी वेडिंग एनिवर्सरी? इसका मतलब आपको उस संबंध की रत्ती भर परवाह नहीं है। आपको नहीं परवाह कि वो इंसान आपकी इतनी छोटी सी बात से खुश हो सकता है और इतनी छोटी सी खुशी भी आपको नहीं दी जा रही है। तो यहाँ मैं उन इमोशनल भाई बहनों को यही बोलूँगी कि वाकई में वो इंसान पत्थर दिल है जो इंटेंशनली ऐसा करता है, क्योंकि हर साल इंसान अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाए, हर साल बर्थडे भूल जाए, हर साल कोई खुशी के पल भूल जाए, तो ये गले उतरने वाली बात नहीं है और ये इतनी आसानी से हजम होने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है ये। तो ऐसे में आप करना क्या है, क्या जिस पर अपनी दिलो जान लुटा रहे हैं और वो आपको सता रहा है, आपके प्यार की कद्र नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, तो क्या ज़िंदगी भर रोते रहें उसके लिए? कोई और विकल्प नहीं है। अब उसको छोड़ भी नहीं सकते, अलग भी नहीं हो सकते, तो ऐसे में क्या करें, घुट घुट के जिए? बिल्कुल नहीं। उल्टी गिनती, उल्टा गेम चालू कर दो ऐसे लोगों के लिए, जिनके लिए आप अपनी दिलो जान लुटा रहे हो, जिन पर अपना प्यार अर्पित कर रहे हो, जिन पर स्नेह लुटा रहे हो 24 घंटे, जो आपके एक चलचित्र की तरह आपके मन मस्तिष्क पे चलता रहता है और वो इंसान आपकी परवाह नहीं कर रहा है, तो उसको सबक सिखाना तो बनता है और बिल्कुल बनता है। और सबक सिखाना इसका बहुत ज़्यादा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। इसका क्या कारण क्या है कि जब आप किसी की बहुत केयर करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो चंड इंसान समझ चुका होता है कि मैं इसकी कमज़ोरी हूँ। जी हाँ, वो समझ चुका होता है कि आप, वो आपकी कमज़ोरी है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, चाहे शो नहीं करें, शो नहीं करें और बहुत अच्छा महान होने का करें कि मैं तो वैसे ही भूल गया था, मैं तो वैसे ही भूल गई थी, नहीं मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, करती हूँ, इस तरह की बातें बोल के बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। पर जो सत्य है उसे हमें स्वीकारना होगा। सत्य ये है कि वो इंसान जानता है, वो अट्टी चालाक इंसान है, वो जानता है, वो आपके प्यार की कदर भी करता है, समझता भी है, लेकिन उसको आपको नचाने में अपने इर्द गिर्द एक अजीब आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें उसको सबक सिखाना है, और सबक इस तरह से सिखाना है कि किसी के लिए इतना भी अवेलेबल मत रहो, किसी के लिए इतना भी पागल मत हो कि वो इंसान आपको कोई तवज्जो ही नहीं दे। जब बहुत आसानी से आप उसको सुलभ होते हो, बहुत ज़्यादा उसके केयर करते हो, तो कहते हैं ना सिर पे चढ़ गया, वो वाकई में सिर पे चढ़ जाता है इंसान, और उसको सिर से नीचे उतारना ज़रूरी है, ज़रूरी है। जो आपके सिर पे बैठ के तबला बजा रहा है, आपका सिर दर्द बना हुआ है, आप 24 घंटे इस बात से परेशान हो रहे हो कि आपने इतना टाइम उस पर लगाया और उसको, उसके पास एक मिनट नहीं है आपके लिए, तो ऐसे में उसको सजा देना बनता है। लेकिन सजा हम अपने तरीके से देंगे, हम एक अहिंसात्मक पद्धति से सजा देंगे उसको, जिससे कि उसको रियलाइज़ हुए। और अगर रियलाइज़ भी नहीं करता, तो ये मान के चलना कि वो घटिया इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करो और अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करो। अलग हो जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाओ तो अपनी ज़िंदगी के ऐसे काम करना चालू कर दो जो आपके पैशन थे, जिनके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा था, तो उस इंसान के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर फोकस करो। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप इसमें इंटरेस्ट लोगे ना, तो आपको इतना मज़ा आने लग जाएगा कि फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा उस इंसान के बारे में सोचने के लिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप समझ लो।
तो आप कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे, और आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, क्या तुम्हें भी मुझसे है? नहीं, बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं, ना गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उस इंसान को जज करो कि वो इंसान अच्छा है कि नहीं। अगर आपने बहुत परख लिया है उसको, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो चालाक इंसान समझ चुका होता है कि आप उसकी, वो आपकी कमज़ोरी है और आप उसके लिए पागल हो, और उसको कहीं छोड़ के जाने वाले भी नहीं हो, चाहे आपके बीच भयंकर भी झगड़े होते हों, तो भी वो इंसान समझ चुका होता है कि इसी झगड़े वगड़े हो जाएंगे, कल तक मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर परसों से दिनचर्या वापस रूटीन वाली हो जाएगी, और ठीक है चलने दो ऐसे ही। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सेल्फिश टाइप के होते हैं, उनको सिर्फ लेना ही लेना आता है, दूसरों के लिए देना नहीं आता उनको। उनको लगता है कि दूसरा ही उन पर लट्टू होता रहे, पागलों की तरह प्यार करता रहे, और उसमें वो अपना कॉलर ऊंचा करके पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ये आप, क्योंकि प्यार में इस तरह की भावना बहुत ही नेगेटिव भावना है, और प्यार में अगर बिना कहे ही कोई आपकी इस अभिव्यक्ति को, इस अनुभूति को नहीं समझे, तो वो किस प्यार के काबिल है? अरे प्यार में तो आपने शब्द क्या, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुख तो बहुत दूर की बात है, और जिस बात से आप बार बार आहत हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और उस घटिया इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे घटिया इंसान के लिए क्यों अपना वैल्यूएबल जीवन जो तुम्हें एक बार ही मिला है उसको ज़ाया करते हो? तो आपको करना क्या है, हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहो। एक शब्द बोलो उसको, जैसे उसने आपको बोला कि भाई चाय बना दो मुझे, आप तुरंत भाग के गए, आपने चाय बना के रख दी। ये बिगाड़ने वाली बात नहीं कर रही हूँ, हमें ऐसे मनुष्य को सबक सिखाना है जो आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा। वो आपके पीछे पीछे आएगा, आपके पीछे पीछे आएगा। जब आप उसको इग्नोर करोगे, उसको उसकी औकात बताओगे, उसको बताओगे कि तुम मेरे लिए सब कुछ नहीं हो, तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे खुशियाँ देते हैं, इस चीज़ का जिस दिन उसको एहसास करा दोगे, तो वो घटिया इंसान, जिस तरह से आप तड़प रहे हो, वो तड़पेगा आपके कंपनी पाने के लिए। वो चाहेगा कि आप टाइम स्पेंड करो, और तब कुछ टाइम उसको टाइम भूल कर भी मत देना, उसको उतना ही तरसाना जितना उसने आपको तरसाया है, तभी वो उसकी बुद्धि टिकाने आएगी। नहीं तो ऐसे घटिया लोग आए गए हो जाती है बात, उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो आपके प्यार की अगर कदर नहीं करे, पहली चीज़ तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर आपका वो बॉयफ्रेंड है तो आपको बार बार फ़ोन करने की गलती भूल कर भी नहीं करनी कि चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, एक बार ट्राई, ये एक बार ट्राई वाला मामला है ना, इसको बहुत अच्छे से समझता है वो चालाक इंसान। उसको पता है कि आप उसको फ़ोन करोगे, इसीलिए वो आपको सताने के लिए खुद फ़ोन नहीं करता आगे बढ़ के, जिससे कि आप हमेशा उससे दब कर रहो, आपकी वैल्यू हमेशा कम रहे, और वो हमेशा आपके सिर पे चढ़ के नाचता रहे ज़िंदगी भर, आपको एक मानसिक गुलामी देता रहे कि आप उसके पीछे पागल हो, और वो इतराता रहे मन ही मन। ये कभी मत करना। अगर आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारी है, अगर आपको किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसकी केयर करो, उसके खाने पीने का, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखो, वहाँ कोई कटौती मत करना। लेकिन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ना उसको जताने की ज़रूरत है कि आप उसकी कंपनी के लिए मरे जा रहे हो, बिल्कुल मत जताना ये चीज़। उसको ये जताओ कि उसके बगैर भी आपके पास बहुत चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, और उनमें आप ज़्यादा खुश हो, कंफर्टेबल हो। समझ गए ना, जैसे कि किसी के हस्बैंड को बार बार अखबार पढ़ने की आदत है और पत्नी घंटों बोर होती है, तो पति से वो शिकायत करती कि आपको तो अखबार ही अखबार पढ़ने की आदत नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आप किसी और काम में उससे भी ज़्यादा बिजी हो जाओ कि वो अखबार पढ़ना पढ़ते पढ़ते उसको टेंशन हो जाए कि आपने एक बार भी आके उसको ये क्यों नहीं बोला कि आप अखबार क्यों पढ़ रहे हो, मुझे कंपनी दो। नहीं, आप कुछ और काम करने लग जाओ, और वो एक घंटे अखबार पढ़ता तो आप वो काम दो घंटे करो वो काम। कुल मिला के कंक्लूज़न ये निकलता है कि किसी के प्रति इतने पागल मत हो कि वो आपको अंडर एस्टिमेट करने लग जाए, और उसको लगे कि आप तो उसके पीछे पागल हो, और आप कहीं जाने वाले भी नहीं हो, हमेशा अवेलेबल हो उसके लिए। ये चीज़ का एहसास कभी मत करा। उसको लगाओ, उसको ये जताओ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र में मेरी कद्र एक रत्ती की भी नहीं है, तो मेरी नज़र में तुम्हारी कद्र बिल्कुल ही नहीं है। ये एहसास कराओ, एक तो ये तरीका है। दूसरा, उसकी केयर इतनी करो कि वो शर्मिंदा हो जाए। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो शर्मिंदा होगा वो इंसान, कि इतने ज़्यादा तनाव के बाद भी, जबकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तब भी आप उसकी बहुत केयर करते हो, बहुत परवाह करते हो, उसको खाने से लेके हर चीज़ की केयर करते हो। तो जो भी एक गैरतमंद इंसान होगा, वो ज़रूर शर्मिंदा होगा, और आपको टाइम देगा, कंपनी देगा, और आपके प्यार को समझेगा, आपकी कद्र करेगा। लेकिन इतना करने के बाद भी जो इंसान आपको कोई रिस्पांस नहीं देता है, उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, और आपको ये बोलता है कि क्या हुआ कर दिया, तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी करी तुमने, तो समझ जाओ कि भाई वो तो घटिया इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ आपको रहना तो जीवन भर है। लेकिन
अगर आपका वो पति है या पत्नी है तो रहना तो जीवन भर है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है कि आप उनको ये एहसास ज़रूर कराओ कि आपकी अपनी दुनिया है जिसमें आप खुश हो, आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल है जिसको आप बहुत बखूबी इंजॉय कर रहे हो उस इंसान के बगैर। उसके साथ रहते भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी आपकी अपनी दुनिया है, पर्सनालिटी है और उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। जिस दिन उसको इग्नोर करना चालू करोगे, जिस दिन उसके पीछे पागल की तरह नहीं पड़ोगे, जिस जगह वो बैठा है वहाँ बैठने के बजाय कहीं और बैठोगे, तब उसको अपने जीवन के खोखलेपन का एहसास होने लगेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप बार बार पूछते हो, पागलों की तरह, दीवानों की तरह किसी को प्यार करते हो तो नहीं। और कई बार क्या होता है, रिश्तों में भी ऐसा होता है, पति पत्नी की बात को हम हटा दें तो रिश्तों में भी ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो रिश्तेदार आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके पीछे कारण यह है कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा जलता है। जी हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर ईर्ष्या है और इस बात को वो पचा नहीं पाता है क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो उसे नहीं मिली है। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। तो ऐसे में वो रिश्तेदार क्या करता है, आपको इग्नोर करेगा, बेइज्जती करेगा, आप उससे बात करने के लिए लालायित होगे लेकिन वो कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, वो किसी और से बात करने लग जाएगा लेकिन आपसे बात नहीं करेगा और आपको नचाएगा अपने पीछे पीछे जाके। फिर अल्टीमेटली जब आप पूछोगे कि क्या बात है, मुझसे बात क्यों नहीं करी, तब तो पूछो ही मत, उसके भाव इतने चढ़ जाएंगे। तो कभी भी अगर कोई आपको इग्नोर करे, उससे कभी पूछना मत बिल्कुल भी कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। उसको अपने आप ही एहसास हो जाएगा जब आप भी उसको इग्नोर करोगे। इस ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या, ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ। आज के ज़माने में मैं आपको ये भी कह सकती थी कि दिल की बात खोलकर करो, मन से अच्छे बनो, सब चीज़ें हम मन से अच्छे ही हैं, लेकिन आज के ज़माने में तिकड़मबाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में भी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया है जब इंसान ये सोचे कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। उसको हर जगह दूसरे से फ़ायदा उठाने की लगी रहती है और ऐसे में आप जैसे जो भोले इंसान होते हैं, आप जैसे जो सीधे सरल मन के इंसान होते हैं, आप जैसे हृदयवान इंसान जो दूसरे पर सिर्फ अपना प्यार लुटाना ही जानते हैं, निश्चित रूप से उनको दुख तो होगा ही, लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के लिए दुखी होकर अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी जो आपको एक बार ही मिली है उसको आप ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रहे हो जिसके लिए आपका प्यार कोई मायने ही नहीं रखता। तो अपना कर्तव्य करते रहो, एक दिन उसको आपकी कदर जरूर होगी। अपने कर्तव्य पूरे करते रहो लेकिन उसके लिए दीवानों की तरह अवेलेबल मत रहो। अपने ऊपर फोकस करो और अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपनी सुंदरता को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपनी शैक्षणिक स्तर को बढ़ाओ, अपनी लाइफ स्टाइल को इतना मैनेज करो कि आपको वो उस व्यक्ति की अभाव को महसूस नहीं करो। आप वो अगर आपके प्यार को समझता है तो उसका वेलकम करो, नहीं तो परेशान और दुखी और उदास बिल्कुल भी मत हो। ये मैंने बहुत ज्ञान की बात आपको बताई है और इसको आप अप्लाई करके देख लेना। किसी के पीछे जितना भागोगे ना, वो दो कदम आपसे आगे भागेगा और जिस दिन उसको इग्नोर कर दोगे, वो खुद लौट के आपका पीछा करता हुआ आपके पास आएगा। पीछा करने से मतलब वो इस बात से परेशान हो जाएगा कि आप उसको वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हो। और यही आज की तिकड़मी दुनिया में लोगों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है।